दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और रेडमी नोट 10 सीरीज का लॉन्च डेट आ गया है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन कंफर्म हो गया है। जो लीक्स हैं, इवन कंपनी ने भी टीज करना चालू कर दिया बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें बताऊंगा कब आने वाला है, कहां पे एंड कैसे सब कुछ। चलते से वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या स्मार्टफोन होने वाला है एंड कब ये लॉन्च हो रहा है। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। चलते से वीडियो की तरफ। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है पूछना है मुझसे तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली Redmi Note 10 नहीं है, Redmi Note 9 High सीरीज है, जो कि 5G वाला होगा। Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 High 5G ये चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और ये रीब्रांड होके जाएंगे ग्लोबल एज Redmi Note 10 सीरीज 5G एंड 5G Pro जो भी हो। एंड आपको मालूम है कि क्या चीजें आने वाली, वो तो चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी एक लीक आया हुआ है एंड देखोगे तो Redmi जो है उसने टीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। और 24th को, 24 तारीख को यानी अगला ट्यूसडे जब आने वाला है, तब ये लॉन्च होने वाला है चाइना में। Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 5G High के नाम से आएगा एंड बाहर ग्लोबली ये Redmi Note 10 सीरीज के नाम से आएगा। उसी टाइम कहा जा रहा है 24 तारीख के आसपास एक पोको का भी स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो दो फोन आने वाले हैं इसमें, Redmi Note 9 और 9 High वाला जो है 5G दोनों रहेंगे। एक तो आपको दोनों में आपको 6.5 और 6.7 इंच के आसपास IPS का पैनल मिलने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ होगा, फुल HD प्लस के साथ होगा। पंच होल होगा फ्रंट साइड में, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन होगा, रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, डिजाइन डिस्प्ले में अच्छा रहेगा। चिपसेट की बात करें तो एक उसमें स्नैपड्रैगन के 750 5G जो है उसके ऊपर आने वाला है और एक आपको डिमेंसिटी 800U जो है उसके ऊपर मिलने वाला है। दोनों 5G होंगे, अच्छी चीज़ है एंड दोनों अच्छे खासे काम कर लेंगे, गेमिंग सब कर लोगे। गेमिंग के साथ साथ आपको 5G फोन मिलने वाला है, यानी ऑब्वियसली 4G वाला इशू 5G वाला इशू नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, सारे काम कर पाओगे। कैमरा की बात करते हैं तो एक स्मार्टफोन उसमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ आएगा, दूसरा वाला 108 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ आएगा। यानी ये पहला स्मार्टफोन होगा मेरे ख्याल से अंडर 20,000 जो कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देता हो। देखेंगे जैसे आएगा वैसे। एंड उसके साथ साथ दोनों में आपको बड़ी बैटरी आएगी, 5000 mAh के आसपास बड़ी बैटरी मिल जाए, 4.5 से 5000 mAh के आसपास के बीच में दोनों बैटरियां होंगी दोनों स्मार्टफोन की। एंड 30-33 वैट का चार्जर आएगा, वो भी अच्छी चीज़ है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके साथ सेंसर्स की बात करें तो आपको दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक मिल जाएगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारी मिल जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होगा, कैमरा 2 API का सपोर्ट होगा, IR ब्लास्टर भी मिल सकता है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आने के चांसेस है दोनों के, कहा जा रहा है, अब वो देखने वाली बात होगी किस पे आते हैं, कहा जा रहा है दोनों एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएंगे। एंड देन उसके साथ साथ दोनों में आपको एक्सपांडेबल स्लॉट मिलेगा, वो डेडिकेटेड होगा कि हाइब्रिड होगा आने के बाद पता चलेगा। बेस वेरिएंट जो सबसे नीचे वाला होगा, वनीला वेरिएंट होगा उसका, वो 6GB 64GB का होगा और उसकी प्राइस कही जा रही है चाइना में 15,000 के आसपास से शुरू होगी। इंडिया में ये दिसंबर तक आ सकता है, दिसंबर एंड तक कहा जा रहा है। जो रियलमी X7 सीरीज आ रही है उसको टक्कर देने के लिए दिसंबर एंड में इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, Redmi Note 10 सीरीज को। एंड प्राइसिंग इंडिया में इसकी 17-18 हज़ार के आसपास से शुरू हो सकती है, चाइना में आपको 15,000 के आसपास मिल सकता है एंड इंडिया में आएगा तो 17-18 हज़ार के आसपास से शुरू हो सकता है। देखेंगे, अभी तो ये इंफॉर्मेशन पता चला है, 24 तारीख का वेट कर लेते हैं, देखते हैं कौन से दो स्मार्टफोन आते हैं एंड किस प्राइस पे आते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं, सारी चीज़ें। अभी तो सब लोग खाली ऐसे ही माप बोल रहे हैं, जो पता चल रही हैं चीज़ें अलग अलग जगह से वहीं से पता चल रहे हैं, 24 तारीख को वैसे ही पता चल जाएगा, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। वेट कर रहे हो, 24 तारीख को चाइना में जाएगा एंड कहा जा रहा है इंडिया में दिसंबर एंड होने से पहले स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, रियलमी X7 सीरीज आ रही है ना उसको टक्कर देने के लिए। देखेंगे जैसे आएगा वैसे, जो भी पता चलेगा वो तो बताते रहता हूँ उसके बारे में, लेकिन 24th को कहा जा रहा है ये एंड ग्लोबली एक पोको का भी फोन उस दिन जाने वाला है। देखते हैं, एक हफ्ते का टाइम है, वेट कर लेते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाएंगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन आके पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। एंड साइड में देखो वेक्टर में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो ऐसे वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।